आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेक्स इन मैरिज, शादी में सेक्स, उसका क्या महत्व है, क्यों है इत्यादि। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन लोग कंसल्टेशन करते हैं, ऑडियो कॉल्स वीडियो कॉल्स होते रहते हैं और काफ़ी लोग अलग अलग सेक्स के प्रॉब्लम्स मेरे से डिस्कस करते रहते हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहते हैं। अब कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैंने शादी क्यों करना, अभी आजकल तो नया ट्रेंड निकला है कि शादी करना ही क्यों है भाई, रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना, तो शादी क्यों करते हैं लोग। तो सबसे पहला आता कि नहीं सेक्स की ज़रूरत है इसलिए शादी करना पड़ता है, कि हमारे कल्चर में ऐसा है कि शादी के बाद में ही सेक्स होता है, अभी कल्चर बदल रहा है। तो पहले क्या था कि शादी करेंगे तो ही सेक्स होगा, नहीं तो नहीं। तो सेक्स की जो भूख है उसको पूरी करने के लिए लोग शादी करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, शादी इसलिए भी किया जाता है कि भाई पार्टनर चाहिए, अकेला कैसा जीवन जिएंगे, कोई तो भी साथ में चाहिए, साथ देने वाला चाहिए, इसलिए शादी करते हैं। नंबर तीन, कुछ लोग शादी इसलिए करते हैं कि घर में कोई देखने वाला होना, अपन बाहर जाएंगे काम करेंगे तो घर में तो कोई होना देखने वाला 24 आवर्स, तो घर में काम करने वाली कोई ना कोई चाहिए, बोलते नहीं नहीं मेरी माँ बीमार है अभी घर में कोई करने वाला नहीं करके लोग शादी करते हैं। नंबर चार, लोग शादी इसलिए करते हैं कि भाई अपना वंश जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसे अलग अलग रीजन है शादी करने के। तो सेक्स से बहुत महत्व का रीज़न है शादी करने के लिए। अब सेक्स क्यों करें, मतलब सेक्स के क्या फायदे हैं शादी में। एक तो क्या है कि सेक्स करने से टेंशन बहुत रिलीज हो जाता है, समझो बहुत ज़्यादा टेंशन है तो कोई भी किसी प्रकार का टेंशन जो है ना वो तो सेक्स करते हैं, पति पत्नी सेक्स करते हैं तो टेंशन दोनों का ख़त्म हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दिन भर झगड़ा झगड़ी कर लिया और दोनों साथ में सोए और सेक्स कर लिया तो सब टेंशन वहाँ रिलीज हो जाता है, वहाँ गायब हो जाता है सेक्स करने के बाद में, और दोनों एक हो जाते हैं। नंबर एक कि टेंशन गायब, सेक्स का ये फायदा। नंबर दो, सेक्स से इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, भावनाओं से अच्छे जुड़ जाते हैं पति पत्नी, तो इसलिए सेक्स जरूरी है, कि भावनाओं से जुड़ जाने के लिए सेक्स बहुत जरूरी है। नंबर तीन, आत्मीयता, इंटीमेसी आती है, बहुत बहुत क्लोज आ जाते हैं। नंबर चार, सेक्स इसलिए किया जाता है कि दोनों का रिलेशनशिप लंबा टिकने के लिए, सेक्स ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी हो जाती है और सेक्स ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इरेक्शन नहीं हो रहा है, लिंग में कठोरता नहीं आ रही है, और या उसकी इच्छा नहीं हो रही है और उसकी नहीं है, सेक्स ही नहीं है, भाई बहन जैसे सो रहे हैं तो कितना टिकेगा शादी, शादी टिकती नहीं, निकल जाते लोग। तो रिश्ता लंबा टिकाना है तो उसके लिए सेक्स जरूरी है। बहुत ही बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं अभी हम सेक्स नहीं करेंगे क्योंकि अभी एजुकेशन चालू है। अरे एजुकेशन का सेक्स का क्या संबंध है, नहीं सेक्स करेंगे तो बच्चा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेक्स करेंगे तो बच्चा ही होगा करके, मगर लोगों की अज्ञान बहुत है तो वो भी पढ़ के लोगों का अज्ञान ठीक करना जरूरी है कि सेक्स करते हैं तो रिश्ता लंबा टिकेगा, नहीं तो सेपरेट हो जाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा। नंबर पाँच, सेक्स इसलिए करते कि प्यार बताने के लिए, कि भाई मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसके लिए सेक्स किया जाता है, प्यार जताने के लिए, प्यार बताने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए सेक्स किया जाता है। सेक्स में क्या होता है कि सेक्स में ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीशन होता है ब्रेन से, और ऑक्सीटोसिन ये इंटीमेसी और लव हार्मोन है। अब वो सिक्रीशन ज़्यादा होता है, बाकी भी हार्मोन्स के सिक्रीशन होते हैं, फील गुड हार्मोन्स में बाकी डोपामिन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, वो भी सिक्रीशन, उनका भी सिक्रीशन बढ़ता है मगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होता है। ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होने के बाद में क्या होता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं और वल्वर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो भी ज़्यादा होते हैं। तो एक्चुअली जब एक स्त्री को ऑर्गेजम हो जाता है, और ऑर्गेजम मतलब वो खुशी का एकदम अत्युच्च क्षण जो है वो एक बार आ जाता है, और पुरुष का इजैकुलेशन हो जाता है, तो उसके बाद में भी स्त्री चाहती है कि एक दूसरे के साथ में बने रहे, पड़े रहे, हक करे, तो वो ऑक्सीटोसिन का काम है। और ऑक्सीटोसिन से ऐसा लगता है कि नहीं, कोई भी स्त्री को लगता है कि नहीं नहीं एक बार इजैकुलेशन हो गया, सेक्स हो गया, उसके बाद में भी साथ में सोना जरूरी है, उसको अच्छा लगता है, उसको इंटीमेट लगता है, उसको बहुत उसमें इंटरेस्ट आता है। तो पुरुषों ने भी रखना चाहिए कि एक बार इजैकुलेशन हो गया तो आफ्टर प्ले बोलते हैं वो भी करना वो जरूरी है, क्योंकि वो स्त्री की एक नीड है, तो वो नीड पूरी करना जरूरी है। 2017 में अमेरिका में स्टडी की गई, तो उसमें यह पाया गया कि एवरेज अमेरिकन व्यक्ति जो है उसको एक साल में 54 बार सेक्स करने से समाधान मिलता है, एक साल में 54, मतलब एवरेज एक हफ्ते में एक बार, और लोग खुश है। एक सोशल साइकोलॉजिकल एंड पर्सनैलिटी साइंस की एक स्टडी उन्होंने की, 30,000 अमेरिकन्स के ऊपर स्टडी की जो 40 साल के ऊपर के थे, उम्र के 40 साल के ऊपर के थे, तो उनमें ये पाया गया कि लोग एक हफ्ते में एक बार सेक्स करते तो वो बहुत खुश थे और बहुत हैप्पियर थे वो कपल्स, और जो ज़्यादा कर रहे थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। इसका मतलब ऐसा है
क्योंकि ज़्यादा सेक्स करेंगे ज़्यादा खुश होंगे ऐसा नहीं है, एक एक हफ्ते में एक बार किया तो वो ज़्यादा, मतलब वो ठीक अच्छे खुश है वो। तो ये सेक्स का महत्व है मैरिज में। सेक्स में ऐसा पाया जाता है कि भाई पुरुष लोग जो है वो कंप्लेन करते थे कि नहीं मुझे ही अप्रोच होना पड़ता है औरत की तरफ, पत्नी की तरफ। तो ऐसा नहीं, पत्नियों ने भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई उन्होंने भी सेड्यूस करना चाहिए, उन्होंने भी इंटरेस्ट बताना चाहिए, उन्होंने भी उसको एक्साइट करना चाहिए हस्बैंड को, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि नहीं मैं हर बार इनिशिएटिव लेना पड़ता है, मुझे लीड लेना पड़ता है। क्योंकि उसको लीड लेना है और बाद में स्त्री ने नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आज मूड नहीं है, आज ऐसा है वैसा है, फिर उसका मूड खराब हो जाता है। तो कभी कभी स्त्री ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए सेक्स करने में, ताकि दोनों का मूड बने रहे और दोनों भी सेक्स अच्छा एंजॉय कर सके। तो यह है महत्व सेक्स का शादी में। और दोनों यदि सेक्स में इंटरेस्टेड है, दोनों का सेक्स बराबर हो रहा है, दोनों सेटिस्फाइड है, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखी हो सकता है। तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुखी सेक्स, मतलब दोनों को समाधान देने वाला सेक्स होना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए हमारे अलग अलग वेबिनार चलते रहते हैं, वो आप यदि अटेंड करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।